नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आप किस तरह से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चेक करेंगे। जैसा कि आप बिना बैंक जाए, बिना किसी ओटीपी के आप अपना 2000 रुपया अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अभी जो है 16वीं किस्त का पैसा जो है आज ही रिलीज होने वाला है। जैसा कि आज 28 फरवरी है, तो आज ही के दिन लगभग 12 बजे आपका किसान सम्मान निधि का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको किस तरह से चेक करना है, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार में टाइप कर देना है PFMS। इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस करना है, और उसके बाद में आपको सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगी PFMS.NIC.IN। आपको सिंपली फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, इस पर आपको टच कर देना है, और इस पर आप जैसे टच करेंगे तो ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर PFMS का पूरा नाम भी लिखा होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको अपना पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किस तरह से चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक डीबीटी डिटेल्स, जैसा कि आपको इसी पे क्लिक करना है, इस पे आपको टच करना है, और उसके बाद में ये अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में लिखा होता है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशरी एंड पेमेंट डिटेल। जैसा कि अब जो है सभी का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। जैसा कि जिनके अकाउंट में जो है आधार कार्ड डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव है, उन्हीं का जो है अब पैसा आ रहा है उनके खाते में। तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है कैटेगरी, और यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट, तो आपको सिंपली सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर आपको टेस्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीएम किसान, तो आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है डीबीटी स्टेटस, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे होंगे, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट, तो आपको सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है एंटर बेनिफिशियरी कोड, अगर आपको अपना बेनिफिशियरी कोड पता है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप करना है, और अगर नहीं पता है तो लिखा होता है आर, या तो आपको जो है एंटर एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसा कि अगर आपको बेनिफिशियरी कोड पता है तो आपको बेनिफिशियरी कोड एंटर करना है, और नहीं पता है तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना एप्लीकेशन आईडी फिलअप करना है। जैसा कि आपका जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को वर्ड वेरिफिकेशन वाले बॉक्स पर यहाँ पर टाइप कर लेना, जिस तरह से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में शो हो रहा होगा आपको उसी तरह से यहाँ पर टाइप करना है। और टाइप करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है, पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर लिखा होता है सर्च, तो आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर आपको टच कर देना है। तो आप इस पर जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका पूरा पेमेंट का डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है ना पेमेंट डिटेल, और यहाँ पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जितना भी पैसा आया होगा आपके खाते में यहाँ पर पूरा डिटेल में ओपन हो चुका हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैलिडेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 फरवरी को जो है इनका वैलिडेट हुआ था, और इनका जो है अमाउंट यहाँ पर देखेंगे तो 2000 रुपया इनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसा कि 20 फरवरी को जो है एजेंसी के थ्रू इनका जो है अप्रूव किया गया था, और यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग बता रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग एट बैंक यहाँ पर बता रहा है ना, लिख के आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर अभी फाइल स्टेटस वाले ऑप्शन पर बैंक रिसीव्ड यहाँ पर 23 फरवरी 2024 यहाँ पर लिख के आ रहा है कि इनके बैंक में जो है रिसीव्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका पेमेंट मेन अकाउंट में इनके मेन अकाउंट में जो है अभी ट्रांसफर नहीं हो पाया है। जैसा कि यहाँ पर जब तक यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिख के नहीं आएगा तब तक जो है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मेन अकाउंट में इनके नहीं ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी ओटीपी के सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, जैसा कि आपका जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना के ले आऊंगा कि आपको किस तरह से अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना है, किस तरह से निकालना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।